गुड मॉर्निंग राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस सबको स्कूल भेज चुकी हूँ। स्कूल भेजने के बाद ये हालत देख लीजिए, छोड़ देते हैं 5-10 मिनट, थोड़ा सा बतियाते हैं आप लोगों से, फिर काम शुरू करते हैं। घर तो ठीक होता ही रहेगा। आज इस व्लॉग में मैं कुछ बातें करूँगी अपने जो नए वाले फ्लैट के बारे में जो मैंने लिया है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं तो उन्हीं सवालों के रिगार्डिंग है। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। तो सुबह के बाद अब आपसे मिल रही हूँ। 2 बजे जा रहे हैं, खाना जल्दी भी बना रही थी, दाल चावल सब्जी दोबारा बनाती हूँ ना जस्ट टाइम। अभी सब मेरे यहाँ आ जाते हैं 2:15 बजे के करीब, 2:10 तक आ जाते हैं, फिर हम लोग दोपहर में साथ में ही करते हैं। तो सोचा चलो आपसे बातें करती हूँ। सुबह सोचा था बनाऊंगी व्लॉग, बातें करूंगी, पर काम करने लगी, कुछ एडिटिंग करने लगी, पोस्टिंग वगैरह, फिर सारा काम करके नहा वहा के नाश्ता करके और गई थी मैं 11:40 पे बिस्तर पे। सोचा कि चलो कुछ करूंगी, एक दो और एडिटिंग है, मोबाइल में वीडियो पड़े हुए हैं, सो गई। और सोना भी मेरे लिए बहुत जरूरी है ना, इस समय दवाइयाँ खाती हूँ ना चक्कर वाली, तो सोना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरी नींद की भी कमी होने के कारण ये सब प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा आ रही हैं। सोचा नहीं अब नींद पूरी करूँगी, तो ये लगता है जैसे काम खत्म हो थोड़ी सी भी नींद आ रही हो, आधा एक घंटे का मौका लगे सो जाओ। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है लेडीज़, मैं बता रही हूँ आप सभी को, सोना और खाना दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अपने एक तो आयरन का, कैल्शियम का ख्याल रखो, विटामिन बी का ख्याल रखो, और साथ में सो। रात में नींद नहीं पूरी कर पा रहे हो, दिन में 1-2 घंटे चुरा लो अपने लिए, सो जाओ, बहुत रिलैक्स देता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं सो रही हूँ, क्योंकि मैं जब से यहाँ प्रयागराज आई थी ना, मैं दिन में सोती नहीं थी, रात में वही 12:30-12 बजे सोना और सुबह वही 5:30-6 बजे पे उठ जाना। इसलिए मैंने टिफिन वीडियोज भी बंद कर दी, टिफिन वीडियोज के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना होता था, जल्दी उठना था, और ऊपर से उसमें भी वही ट्रॉलिंग। तो सोचा चलो यार सुबह सुबह नींद भी खराब करो, वीडियोज भी बनाओ और ट्रॉलिंग भी बर्दाश्त करो। तो अभी छोड़ देती हूँ, लाऊंगी, मतलब पर्टिकुलरली टिफिन वीडियोस नहीं लाऊंगी, पर डिशेस की वीडियोस बीच में जरूर बनाऊंगी। खाना तो रोज बनाती ही हो ना, जैसे अभी बना रही हूँ नेनुआ की सब्जी। तो आपसे बातें करती हूँ, बातें तो बहुत ज्यादा हैं, एक व्लॉग में बिल्कुल खत्म नहीं होंगी, कई सारे व्लॉग्स लग जाएंगे। और जितने भी आ रही हैं बातें ना, सारे मेरे नए वाले फ्लैट को लेकर के आ रही हूँ। चलो वहाँ बैठ के बातें करती हूँ, अब तक के लोग नहीं आते हैं, तो सारे मेरे नए वाले फ्लैट को लेकर के ही आ रही हैं। कहाँ लिया, कौन सी जगह शिफ्ट हो गया हो वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हैं। ये देखो किसी ने मेरे सोफ़ा कवर की चॉइस को बहुत गंदे बताया है, बोला मेरे सोफ़ा कवर की चॉइस बहुत ख़राब है। भाई क्या करूँ सर, ये कलर क्या करे बेचारा, ये बता दो, ये कलर बना हुआ है तो इस कलर को क्या किया जाए। है हमारी चॉइस ऐसे, हम लोग को मनकापुर के घर में ब्राइट ब्राइट कलर पसंद आते थे, अब यहाँ पर लाइट लाइट कलर पसंद आ रहे, क्योंकि बहुत उजाला है यहाँ के घर में। तो अब मैंने सब कुछ अपना अपने वाले घर में इंटीरियर में पूरा वाइट वाइट रखा है, सोफा कवर बदलूंगी। अब इतने हम लोग पैसे वाले भी नहीं है ना कि हर साल 1700-1800 का कवर, ये वाला कवर 1800 का था, देखो दाम बता रही हूँ, 1800 का था ना, तो अब दोबारा लेने के लिए 1800 साल दो साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बस वही है, पिछले साल लिया था, ये पिछले के पिछले साल का है, इसकी वो देखो ना कि कितना मैंने सहेज के रखा है कि 2 सालों से चला आ रहा है। और इसके बाद मैंने ग्रीन कलर का लिया था, ग्रीन वाला, तो वो भी मुझे बड़ा पसंद आया था, मेहंदी कलर, ब्लैक कलर का लूँगी। ये देखिए आप अंदर की चीज़ कितनी सुंदर है, ये मेरे वार्डरोब, अरे यहाँ क्यों दिखा रही हूँ, मेरे वाले घर वाले वार्डरोब से मिल रहा है ना, ये हम लोगों ने यहाँ पे ठीक करवाया, शूट नहीं किया था, शायद नहीं किया होगा। तो ये क्या होता है ना, बच्चों के कारण ढक के रखना पड़ता है, हस्बैंड तो बोलते हैं ऐसे ही रहने तो ऐसे सुंदर लगता है, पर मुझे लगता है कि नहीं, बच्चे अगर एक बार गंदा कर देंगे ना तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे कवर करके रखती हूँ। अब खरीदूँगी सोफ़ा कवर, बस दिवाली आ रही है ना, धीरे 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 सब होगा। अब घर होने के बाद आप समझ सकते हो एक मिडिल क्लास के लिए कि फिलहाल सब कुछ अभी थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, पर करूँगी, सब कुछ करूँगी। तो कुछ कुछ बेसिक सवाल हैं जिनका बेसिक बेसिक आंसर मैं दे देती हूँ, बाकी तो मैं बनाऊँगी अलग से ब्लॉग। पहला क्वेश्चन, कहाँ पर लिया है फ्लैट? तो प्रयागराज में लिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं केंद्रीय विद्यालय में, उनका ट्रांसफ़र यहाँ पे हुआ है छियोकी केवी में, तो छियोकी के ही पास रीवा रोड पे हम लोग ने रेंट पे मकान लिया था। आपको पता ही होगा, मकान नहीं फ्लैट लिया था, एक अपार्टमेंट है उसमें फ्लैट लिया था। ये जो अपार्टमेंट है बिल्कुल अभी नया बन रहा था, नया डेवलप हो रहा है, तो उसमें हमने किराए पे ले लिया था।
यहाँ आने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी, हमें फ्लैट पसंद आ गया, सामने वाला ही बहुत ज़्यादा, कई चीज़ें आपस में विचार किया कि प्रॉपर्टी कर लेते हैं, एक काम ही आती है प्रॉपर्टी, तो बहुत सारे विचार करने के बाद हमने सामने वाला फ्लैट बाय कर लिया प्रयागराज में ही, सेम अपार्टमेंट। दूसरा क्वेश्चन कई लोगों का है कि सेम लग रहा है, जी हाँ, क्योंकि अपार्टमेंट सेम है, सब कुछ सेम है, बस दिशा डिफरेंट है। इसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंट आपको वहाँ दिखेगा, जो चीज़ बाएं दिखती थी वो दाएं दिखेंगी, जो दाएं दिखती थी वो बाएं दिखेंगी, बाकी अपार्टमेंट ही नहीं फ्लोर भी सेम है, सामने ही है मेरा, मुश्किल से 100 कदम की दूरी पे मेरा खुद का फ्लैट है। नंबर 3, शिफ्ट कब होंगी, पूजा क्यों करा ली, पूजा में कोई आया क्यों नहीं, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो बैक टू बैक मेरे कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, सोचा फटाफट उसका रिप्लाई कर देती हूँ, आगे अपने फ्लैट के बारे में बातें बाद में करूँगी। तो शिफ्ट हम लोग, क्या हुआ कि 18 तारीख से 17 की रात से लग रहा था पितृ पक्ष जिसको बोलते हैं, तो ये हुआ कि पंडित जी से पूछा, पंडित जी ने कहा नहीं दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि वो गणेश जी का पूरा सप्ताह 14 दिन चल रहे थे और प्रदोष था उस दिन, तो हमने कथा सुन ली सत्यनारायण भगवान की, एक जो नॉर्मल होता है ना कि हाँ कथा सुन ली है। अब आप वो बोले वो ग्रहण ग्रह प्रवेश ये सब कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने घर से हम लोग काफ़ी दूर हैं, यहाँ पे बाय कर लिया, यहाँ पे अपने मन की तसल्ली के लिए कथा सुन ली, ताकि हम लोग जब उस घर में जाएं आगे कुछ भी कार्यक्रम करें तो ये रहे कि घर में पूजा पाठ हुई है, कोई भी निगेटिविटी घर में नहीं है, ये हम लोग ऐसा मानते हैं, तो इसलिए हमने कथा सुन ली। कोई आया क्यों नहीं था, किसी को बुलाया क्यों नहीं, घर वाले शामिल होने चाहिए थे, सभी बात से मैं अग्री करती हूँ, पर हर इंसान की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, एक वजह होती है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने बताया ना कि यहाँ पे फ्लैट बाय किया तो अभी पता भी नहीं था कि शिफ्ट अभी करने वाले हैं या दशहरा में शिफ्ट करने वाले हैं, कब शिफ्ट करने वाले हैं, कुछ भी आइडिया नहीं था, क्योंकि जब हम लोगों ने इसका एडवांस दिया तो अभी एक हमें बस एक ढांचा मिलता है, फर्श बनी रहेगी, दीवारें बनी रहेंगी, बाकी कुछ काम नहीं हुआ रहता है। काम सावन सोमवार के पहले दिन हमने एडवांस दिया था इसका, उस दिन मेरा व्रत था, तो काम इतना तेज़ी से किया इन्होंने ना, हमारा जो था प्लान वो दशहरे का था, नवरात्रि के बाद दशहरे में छुट्टियां होंगी, फिर सबको बुलाए बुलाएंगे, हमारे भी छुट्टियां होंगी क्योंकि हस्बैंड घर पे हो पाएंगे, अकेले मैं क्या ही करूँगी, अगर कोई आ जाता है मान लो घर पे, अभी मैं बिल्कुल यहाँ पे नहीं हूँ, तो फिर सब मुश्किल हो जाता है ना मैनेज करना। तो ऐसा कुछ हुआ कि इंटीरियर वालों ने सबने काम इतना फटाफट किया ना कि मेरा सारा काम ऑलमोस्ट 2-3 सितंबर 4 सितंबर को ख़त्म हो गया। तो जब ये लगा कि सितंबर में काम ख़त्म हो गया है और हम लोगों ने ये फ्लैट को डाउन पेमेंट प्लस लोनिंग पे किया है, एक मध्यम वर्गीय परिवार कोई भी काम पूरा पे करके नहीं कर सकता, आप सबको पता है इतने पैसे नहीं होते हैं, और सब जानते हैं ईश्वर करे इतने पैसे हो मेरे पास मैं इसको लोन ख़त्म कर दूँ, पर फिलहाल मैंने लोन पे किया, तो लोन पे करने की वजह से लोनिंग अमाउंट जो हमारा है अक्टूबर से कटेगा, तो सितंबर का महीना हमारे पास बचा था। तो जो हमने अपने ओनर को बताया कि हम लोग अब एक महीने में घर खाली कर देंगे, उनको हमने 1 या 2 सितंबर को इन्फॉर्म किया, क्योंकि घर का काम ऑलमोस्ट डन हो चुका था, तब हमने उनको इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने बोला ठीक है सितंबर तक का आप रेंट दे दो, अक्टूबर से वो किसी और को रख लेंगे अगर कोई मिल गया तो। तो चीज़ें ऐसी कुछ हुई ना कि सितंबर तक का हमने किराया दे दिया इस घर का, अक्टूबर में प्रवेश करेंगे इस घर के साथ तो फिर नया रेंट देना पड़ेगा, तो जब रेंट देंगे 15,000 रुपये तो वो हम पे एक बर्डन हो जाएगा ना। और सबको अचानक हुआ उसी समय 4 या 5 सितंबर को मैंने पंडित जी को बुला लिया, शायद 3 या 4 का दिन था, उस दिन मैंने पंडित जी को बुलाया, उनसे पूछा वूछा, क्योंकि दशहरा का तो पता था कि कहते हैं कि अभिजीत मुहूर्त होता है, कोई कुछ भी करो अच्छा ही होता है, तो पंडित जी से पूछा, पंडित जी ने एकदम खुशी खुशी बोला कि नहीं आप कर लीजिए सोमवार को, क्योंकि अगर आपको सामान भी रखना है, पहला सामान दीजिए, शिफ्टिंग भी करनी है, तो पूजा करके ही करो। तो पंडित जी की बात सही लगी, हमें भी लगा कि नहीं यही सही है कि पहले पूजा कर ली जाए, देन हम लोग एक चम्मच भी रखना है उस घर में ना, तो पूजा के बाद ही रखते हैं। तो ऐसे करते करते 16 तारीख को हमारी पूजा की डेट पड़ गई। अब रही बुलाने की बात, तो पहले हमारी जो प्लानिंग थी वो ये थी कि हम लोग सामान को नवरात्रि में शिफ्ट करेंगे, उसके बाद दशहरा के दिन पूजा रखेंगे, तो उस समय सबको बुला लेंगे। फिर हमारे जब मन में ये आया कि पहले पूजा कर लेते हैं देन सामान रखते हैं, तो यहाँ हम लोग रेंट पे हैं, हमें ये शौक है, हमें और मेरे हस्बैंड को, कि हम अपने माँ बाप को, हमारे माँ बाप को अपने घर में बुलाएं,
और उसके लिए रिजर्वेशन भी करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसमें हूँ प्रयागराज में, मेरे पापा मम्मी हैं गोरखपुर में, इनके पापा मम्मी हैं महाराजगंज के भी गांव में, निचलौल के पास गांव है, तो डिस्टेंस इतना बढ़ चुका है कि ऐसे नहीं आ पाएंगे भाई। सासू माँ है उनको भी कमर में प्रॉब्लम, घुटने में प्रॉब्लम होती है, तो बस से या कार से उनको प्रॉब्लम होगी तो ट्रेन में बकायदा रिजर्वेशन के साथ ही आ सकते हैं। तो ऐसे 6 या 7 को डिसाइड हुआ, आनन फानन में बुलाओ, मैं बैठ जाऊंगी पूजा में, फिर कौन संभालेगा क्योंकि अभी प्रयागराज में तो मैं नहीं हूँ, किसको बुला लेती मैं। तो मेरी सासू माँ भी काम नहीं कर पाती हैं, अब ज़्यादा उनसे नहीं होता है। मेरी मम्मी का भी सेम हाल है क्योंकि अब बच्चे बड़े बड़े हो गए, संभालने वाले हो गए, तो सब कुछ सोच के मैंने क्या सोचा अपनी अच्छाई के लिए, उनको बताया फ़ोन पे कि 16 तारीख को हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं और हम लोग अपने घर में चले जाएंगे, फिर आना। तो मेरी सास ने भी यही बोला कि नहीं बहनी हम अक्टूबर में आएंगे, मेरे मम्मी पापा ने भी यही बोला कि नहीं बेटा हम अक्टूबर में आएंगे, तो ऐसे सब कुछ डिसाइड हो गया। तो ये हमारा अपना घर का डिसाइडेड था कि हम लोग अपने ही घर में उन लोग को बुलाएंगे, इस वजह से वो लोग नहीं आए, और कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था। तो जैसे ही हम शिफ्ट होते हैं हम यही चाहेंगे कि वो लोग आएँ, हालांकि देवर की शादी नवंबर में है, फर्स्ट शुरुआत में ही है, फर्स्ट वीक में ही है, तो थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, पर होपफुली वो लोग आ जाएंगे। तो बस ऐसे ही चल रहा है, देखते हैं कब कब कौन कौन आता है, सब दूर दूर है एक्चुअली। मेरा एक भाई पुणे रहता है, एक भाई गोरखपुर रहता है, सबकी अपनी जॉब है, मेरे ससुर जी भी देखते हैं काम तो उनका भी अपना है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन सब खुश हैं कि चलो हमने एटलीस्ट अपना कुछ कर लिया और आते रहेंगे, अभी तो हम लोग हैं। सेकेंड चीज़ कि क्या खुद बनवाया, तो जी नहीं, अपार्टमेंट के घर खुद नहीं बनाए जाते हैं, बने बनाए मिलते हैं, हम लोग उसको बाय करते हैं। आई एम फर्स्ट बायर, मैंने कोई सेलिंग वाला घर नहीं खरीदा है, आई एम फर्स्ट बायर, फ्रेश घर खरीदा है डायरेक्ट अपार्टमेंट का। हाँ 5-6 साल बाद हो सकता है मैं रीसेल करूँ, तो कई लोगों ने बोला कि अच्छा आप दीदी आप प्रयागराज में रह जाओगी, अब यहीं रहना है, तो नहीं घर मेरा है गोरखपुर और लखनऊ में बहुत पसंद है, और हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि हमारा फ्यूचर हमें कहाँ लेके जाएगा। जैसे कि कभी सोचा नहीं था कि प्रयागराज आएंगे, मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी है ना, हर 5-6 साल में ट्रांसफ़र होंगे ही होंगे, उसको रोक नहीं सकते अंटिल एंड अनलेस कोई पॉलिसी चेंज ना हो जाए, तो प्रयागराज में तो नहीं रह पाएंगे हम लोग। हमने ले लिया है एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर, एक ये था कि अपने घर का एक शौक है, समय रहते पूरा कर लेते हैं, भविष्य में अगर हमारा ट्रांसफ़र हुआ 5-6 सालों में या उसके पहले भी, तो हम लोग उसको रेंट पे उठा देंगे अपने वाले घर को, या फिर सेल कर देंगे। सेल का तो नहीं आइडिया है, करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई बहुत बड़ा कोई बायर मिल गया तो सोचा जाएगा, तो रेंट पे उठा देंगे। तो फिलहाल अभी घर लिया है, सपनों का घर, जो कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी, कभी कभी लगता है कि चिकोटी काट लूँ खुद को कि सपना तो नहीं देख रही, क्योंकि मनकापुर के घर में जब रहती थी ना तो बस यही लगता था कि अब की बार जहाँ भी ट्रांसफ़र हो थोड़ा सा अच्छा घर मिल जाए, तो थोड़ा बड़ा सा हो, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ऐसा मिलेगा जहाँ पे मॉड्यूलर किचन होगा, वार्डरोब होगा। जब किराए पे लिया था ना तो इसी को देख के मैं उड़ रही थी, और अब तो अपना घर ले लिया है और अपने पसंद का इंटीरियर करवाया है, तो वो एक अलग फीलिंग है, बस अब ऐसा लग रहा है ना जल्दी से चले जाओ तो कल से हम लोग सामान तो हमने रख दिया है, जैसे दुर्गा जी की हमारे जो मेरे पास फोटो है ना, वो पूजा वहाँ पे हुई, फिर उनको हमने अपने मंदिर में स्थापित कर दिया। मैंने वहाँ पे मंदिर का भी एक कॉर्नर ईशान कोट भी बनाया ना, उस पर पर्दा लगाऊंगी, तो मैंने सोचा चलो भले फ्लैट है मंदिर का कोना नहीं है तो मैं खुद बना लेती हूँ, तो मैंने एक मंदिर का कोना बनाया अपने मंदिर के साइज़ का। और चूल्हा भी, मैं गैस चूल्हा मेरा नया वाला छूटा हुआ है, पुराना वाला चूल्हा भी यूज़ कर रही हूँ, जब उसमें शिफ्ट होंगी तो अपनी हेल्पर को दे दूँगी, खुश हो जाएगी ना। तो ये मैंने 2-3-4 सामान वहाँ पर रख दिए हैं, पोछा है, वाइप है, पाइपर है, और गैस चूल्हा है, भगवान जी हैं, तो कुछ सामान मेरे घर के उधर पहुंच गए हैं, तो उस दिन प्रवेश मान लिया गया। अब कल संडे है ना, तो कल से हम लोग थोड़ा थोड़ा सामान लगाएंगे, जैसे कि हस्बैंड है तो जाके हम लोग क्या अपनी वार्डरोब लगा देंगे, कोई बुक्स वाली अलमारी लगा देंगे, ऐसे करते करते ये पूरा वीक हम लोग सामान लगाने वाले हैं थोड़ा थोड़ा। और लास्ट वाले दिन जिस दिन भारी भारी सामान, जैसे कि बेड डिसमेंटल करना होगा, फ्रिज है, अलमारियाँ हैं, उनके लिए हेल्पर चाहिए ना, तो वो बुला के एक दिन किसी दिन हो जाएगा। फिर प्रॉपर जो पूजा पाठ होगी वो नवरात्रि से स्टार्ट होगी, और नवरात्रि में ही हम लोग अपने घर में जाएंगे, जो अभी हमारी प्लानिंग है, तो यही प्लानिंग है। और बहुत सारी क्वेरीज लोगों की है, कितने का लिया, क्या है, तो वो सब बताऊँगी मैं,
प्रॉपरली बताऊंगी, मतलब मैं कोशिश करूंगी जो जिनसे हमने बाय किया है या जो यहाँ के हैं सेलर्स हैं जिनसे, तो उनके साथ मैं आपकी एक बातचीत करवा दूँ, कोशिश करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के लोग, जो भी बिल्डिंग्स में जो ऑफिस है बहुत अच्छे हैं, तभी हम लोगों ने ले लिया है। तो कोशिश करूँगी और सब कुछ बताऊँगी, डिटेल वीडियो बना दूँगी आप सभी के लिए। तो बस यही है, 2 BHK है मेरा, 2 BHK इन द सेंस 2 bedroom 1 hall and 1 kitchen, 2 washrooms हैं विद वेस्टर्न लैटिन बाथरूम, मतलब दोनों में ही है। तो और चारों तरफ बालकनी है, हर रूम हर किचन से अटैच्ड, तो काफ़ी स्पेसेस है और काफ़ी वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हैं कोई भी मैंने बल्ब बल्ब नहीं जलाया है, पूरा उजाला भरपूर आता है। तो बस यही है, ऐसे ही जो आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे, सोच रहा था कि चलो बता देती हूँ, और बस प्रे करिए कि सब कुछ अच्छा रहे, अच्छे शिफ्ट हो जाए, और फिर प्यारे प्यारे वीडियोस आप सभी के लिए लेके आऊँगी, कॉमेडीज़ मोटिवेशनल ब्लॉग्स भी लाती रहूँगी, कोशिश रहेगी रोज़ ब्लॉगिंग करूँ। तो आज के लिए इतना ही इस ब्लॉग में, और कल है संडे, तो कल सब कुछ ठीक रहा, चक्कर वक्कर का सुबह कुछ नहीं हुआ, नहीं होगा टचवुड, तो कल हम लोग थोड़ा थोड़ा सामान लगाएंगे, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर, बने रहिएगा मेरे साथ मेरे इस यात्रा में अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मेरे जो नए नए वीडियोज़ हैं आप तक आते रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।